डार्क मोड हटा लेना, ठीक है। अब देखो डार्क मोड हटाते ही देखो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ जाएगी साफ, तो ऐसा फोल्डर कभी मत डलवाना, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। अभी यहाँ पे दो तीन दिन में एक और हो जाएगी, फिर एक और हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी ये, ठीक है। सैमसंग में बड़ा अच्छा तरीका दे रखा होता है, वो *S0*S आप टिक करोगे, उसके बाद आपको RGB कलर मिल जाते हैं आराम से। रेड भी चेक कीजिए, ब्लू भी और ग्रीन भी, वो भी चेक कर लो, उसमें बहुत अच्छा तरीका दे रखा है। मगर इसमें जो चेक करने का तरीका है ना, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक कस्टमर के साथ स्कैम हो गया, कैसे स्कैम हुआ वो मैं आज आपको बताता हूँ खुल के। देखो ये एक कस्टमर ने डिस्प्ले लगवाई फ़ोन में, सुबह लगवाई थी और अभी शाम का टाइम हो रहा है, और सुबह जब इसने डिस्प्ले लगाई तो इसमें कस्टमर ने ठीक से ध्यान दिया नहीं, इसमें एक लाइन आ रही है डिस्प्ले में, और वो प्रॉब्लम पहले से थी, और दुकानदार बोल रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई तुझे उस टाइम चेक करना चाहिए था जब तूने सुबह डलवाई थी इसमें डिस्प्ले। तो आजकल दुकान वाले ऐसा स्कैम अक्सर कर लेते हैं। देखो पहले तो इसमें लाइन दिखा दूं आपको, आपको नजर आ रही हो तो। बंदे ने कितनी चालाकी खेली है दुकान वाले ने कि नीली तो इसकी वॉलपेपर लगा दिया, और क्योंकि नीली एक लाइन आ रही थी इस फोल्डर में, देखो ऐसे आपको एक लाइन नजर आएगी है, और डार्क मोड कर दिया कि लाइन नजर ना आए, ठीक है। कस्टमर को ये चीज करके दे दी, कस्टमर को दोपहर में उसने ठीक से जब गौर करके देखा तो यहाँ पे ये लाइन नजर आने लगी। व्हाइट शेड जब आएगी ना, व्हाइट शेड में लाइन ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आएगी। देखो अभी आपको ठीक से नजर आ भी रही होगी, वैसे बहुत कम नजर आ रही है। देखो जैसे कि मैं डायलर खोलता हूँ, देखो डायलर में भी आपको वो लाइन नज़र नहीं आएगी, इसी फोल्डर में दिक्कत है। कोई नहीं होना चाहिए, ब्लैक डॉट नहीं होना चाहिए डिस्प्ले में, और लाइन नहीं होनी चाहिए, वरना वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, एक हफ्ता चलेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको करना क्या है, डार्क मोड से हटा लेना। जैसे ही आप डिस्प्ले डलवाओ अपने फ़ोन में, तो अपने मोबाइल फ़ोन को ना डार्क मोड से हटा देना। देखो डार्क मोड में आपको नज़र नहीं आएगी ना, नज़र नहीं आ रही ना लाइन, देखो मैं डायलर खोल रहा हूँ, नहीं नज़र आ रही, आपको पता भी नहीं चल रहा है। बस ऐसे ही आप चेक करोगे डार्क मोड में, कोई भी चीज़ चलाओगे ना डार्क मोड में, तो वो लाइन नज़र नहीं आने वाली आपको, या आएगी भी तो बहुत हल्की सी आएगी, जो आपको नज़र नहीं आएगी। उसको आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है ना। ये इस बेचारे के साथ स्कैम हो गया, तो ये गया दोबारा, उसने भाई साहब डिस्प्ले चेंज भी नहीं करी, इतने बेशर्म लोग हैं। अगर एक दिन में दिक्कत आती ना तो देख लेना चाहिए कम से कम, हाथ में तो पकड़ के देख ले। कह रहा भैया हाथ में भी पकड़ के नहीं देखा, कह रहा है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बस यहीं तक गारंटी थी, यहाँ चेक करना था तेरे को, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू अपने घर ले गया, तू खराब करके लाया, दबा के लाया, 10 तरह के बहाने बनाए। तो चलिए मैं आपको कुछ सावधानियां बरतने ही कह रहा हूँ, कभी भी डिस्प्ले चेंज कराओ तो दुकान पे वहीं चेक कर लेना। अगर डार्क मोड लगा रखा हो ना उसने, तो डार्क मोड हटा लेना, ठीक है। अब देखो डार्क मोड हटाते ही देखो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ जाएगी साफ। दूसरा हो गया ना, ये देखो मैं ये डायलर भी खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो लाइन नज़र आएगी, ये नीले कलर की लाइन है, नेवी ब्लू टाइप की, देखो अब नज़र आ रही होगी ना आपको साफ। ये डार्क मोड हटा दोगे जब नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो ऐसा फोल्डर कभी मत डलवाना, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। अभी यहाँ पे दो तीन दिन में एक और हो जाएगी, फिर एक और हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी ये, ठीक है। तो ख़राब चीज़ अपने फ़ोन में मत डलवाया करो। 1500 रुपये का फोल्डर डाला है इसका, रेडमी नोट 5 प्रो है ये फोल्डर, 1500 रुपये का इसका फोल्डर डाला है, हालांकि आ रहा है अभी ये मार्केट में 600 रुपये का। 600 रुपये के 1500 ले लिए, चलो कोई बात नहीं, आप ले लो, मगर गलत चीज़ ना डाली जाए। अगर वो दोबारा डाल भी देता ना, उसका जब भी पैसा बच जाता, 300 रुपये जब भी बचते अगर वो दोबारा फोल्डर डाल भी देता तो। मगर ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में, ऐसे बंदे बैठ गए हैं, पता नहीं कस्टमर इनको बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। ये लाइन फोल्डर की वजह से आ रही है, फोल्डर का पत्ता ख़राब है इसका, ठीक है। तो फिलहाल अब ये कस्टमर आ गया, कह रहा भैया इसको चेंज कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं है फोल्डर, क्योंकि आंखों में चुभ रही है, उसका दिल टूट रहा है कि भैया मैंने पैसे भी खर्च किए और ढंग से काम भी नहीं हो रहा। तो अब इसका फोल्डर हम डालेंगे, फोल्डर डालना मैंने और भी वीडियोस में बता रखा है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप कभी भी किसी दुकान पे डिस्प्ले वगैरह चेंज कराओ ना, तो एक तो ब्लैक डॉट चेक कर लिया करो, वाइट करके, ठीक है, इसको डार्क मोड से हटा के, ये डार्क मोड नहीं लगा रहना चाहिए, डार्क मोड में ब्लैक डॉट नज़र नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में सस्ती चीज़ें मिलती हैं लाइनें वाली, ये जो डिस्प्ले है ना 350 रुपये की मिल जाएगी एक लाइन वाली, 250 रुपये की भी मिल जाती है जिसमें लाइन आती है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे वो एक ये लाइन वाली डिस्प्ले खरीद के लिए आते हैं कि एकदम से 1500 रुपये कमा लेंगे, जल्दी अमीर होना होता है ऐसे लोगों को। वो क्या करेंगे कि ये एक लाइन वाली 250-300 रुपये वाली डिस्प्ले डाल के पूरे पैसे ले लेंगे, और ये लाइन छुपाने के लिए देखो डार्क मोड करूँगा ये दिखनी बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसमें लाइन है। जब पता जब चलेगा जब वो डार्क मोड ऑफ करेगा कभी इसका, है ना। देखो अब लाइन नज़र आ रही है साफ़।
तो भाई डार्क मोड हटा के और वहीं चेक कर लिया करो। कभी कभी क्या होता है ब्लैक डॉट भी होते हैं डिस्प्ले पे, है ना। सैमसंग में बड़ा अच्छा तरीका दे रखा होता है, वो स्टार एस जीरो स्टार एस आप टिक करोगे उसके बाद आपको आरजीबी कलर मिल जाते हैं आराम से। रेड भी चेक कीजिए, ब्लू भी और ग्रीन भी, वो भी चेक कर लो, उसमें बहुत अच्छा तरीका दे रखा है। मगर इसमें जो चेक करने का तरीका है ना, आप ये डार्क मोड हटा के जब देख लेना कोई भी लाइन आ रही हो तो उसी टाइम मना कर दो, भाई पकड़ना मत अपने हाथ में फोन, इधर उसकी दुकान पर रख दो कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा अच्छा कई दुकानदार है ना मैंने ऐसे देखे हैं बेवकूफ बनाते हैं, वो खुल्लम खुल्ला साफ कहते हैं कि ये चली जाएगी लाइन, बस ये एक लाइन है, दो तीन दिन में चली जाएगी, नहीं जाए ना तो दिखा देना। अगर आप फोन ले गए अपने घर तो वो एक की जगह 10 लाइन आ जाएंगी, उसके बाद वो कहेगा भाई एक लाइन आ रही थी यार उस टाइम पे, मैं जब तो चेंज कर देता मगर अब नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी लाइनें आ गई तो तुमने गिरा दिया। तो बहसबाजी से अच्छा है आप वहीं की वहीं उसको टोक दो कि भाई एक लाइन आ रही है, या फिर कोई डॉट आ रहा है ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का या पिंक कलर का कोई डॉट आ जाता है डिस्प्ले पे, वो लोकल घटिया डिस्प्ले होती हैं जो मार्केट में खराब डिस्प्ले होती हैं, वो भी बिकती हैं भाई, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई तरह के डॉट भी आते हैं डिस्प्ले पे, वो सस्ती पड़ती हैं, और लाइन वाली डिस्प्ले भी, ये भी सस्ती पड़ती हैं, आपको वो चिपका देंगे। उसी टाइम मना कर दे करो जब भी डिस्प्ले लो, ये मेरे को नहीं चाहिए, वापस रख ले इसको, मेरे को दूसरी डिस्प्ले डाल के दे, डाल सकता था ठीक है, नहीं तो वापस मेरा फ़ोन वैसे ही देते जैसा था। तो ये चीज़ जब तक आप नहीं करोगे ना आपके साथ ऐसे ही स्कैम होता रहेगा। अब ये भाई है इसके साथ स्कैम हो गया बेचारा, इतना परेशान था ये, कह रहा भाई इतनी बहस करके आए उससे बंदे ने, ना तो पैसे वापस कर रहे हैं और ना डिस्प्ले वापस ले रहा हो, कह रहा भाई मेरी गारंटी नहीं है ये तो तेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस बंदे की नहीं है ये मैं बता सकता हूँ। तो इसके बेचारे के आज 1500 रुपये ठुक गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए हम इसमें डिस्प्ले डाल के देंगे इसको, मैंने बता दिया मगर कोई नहीं यार 600 रुपये का फोल्डर हम मंगाएंगे और हम डालेंगे इसका फोल्डर, कुछ हो गया बेचारा, मगर करके देते हैं इसको। और आप भी ध्यान रखना ये फोल्डर की दिक्कत होती है, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई बंदा है ना, कोई कोई दुकानदार ऐसे भी आपको मैनिपुलेट करेगा कि इसके बोर्ड में दिक्कत है, इसकी पावर आईसी में दिक्कत है, इसके सीपीयू में दिक्कत आ गई है, उससे लाइन आ रही है, डिस्प्ले में और कोई दिक्कत नहीं है, देखो डिस्प्ले बिल्कुल सही चल रही है, है ना, डिस्प्ले में कोई और पंगा है ही नहीं, ये सीधा आपके बोर्ड से दिक्कत है, वो ठीक करूंगा जब ठीक हो जाएगा, उसका खर्चा अलग से लगेगा, तो उसका खर्चा अलग से नहीं लगेगा, वो डिस्प्ले डालेगा दूसरी और आपसे पैसे ले लेगा बेकार के, वो बोर्ड के नाम के। तो ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करने का इनका गेम चलता है। देखो वॉलपेपर भी ब्लू लगा के दे रखा है इसने दुकानदार ने, ये तो इसको जब पता चला जब ये स्पेस ने ध्यान दिया ना ये लाइन क्या आ रही है करके देखा ना, भैया ये आइकन तो ठीक है, मैंने इधर करके देखा इसको, ये देखना क्या चीज़ है, तो मैंने इसको बताया भाई इसमें तो लाइन है, कह रहा वो यही चीज़ मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर चलिए कोई नहीं, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जानने को मिला होगा, एटलीस्ट आप है ना बेवकूफ़ नहीं बनोगे अगर मेरी वीडियो देखते हो तो। आपको खुल के बताया करूँगा कभी भी कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, लाइक कर देना शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।